अभी हम ना एक कैट सिक्स की कंप्लेन करने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि उस पर कंप्लेन में फॉल्ट कैसे फाइंड करना है। कैट सिक्स का हम देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास जो गैजेट है, मीटर है और कनेक्टर लगाने वाला पंचर है, कनेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फॉल्ट कैसे ट्रेसना है और फॉल्ट ट्रेस करके उसको इंटरनेट कैसे चलाना है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के नीचे हमने बिल्डिंग है उसके ऊपर लगी हुई है हमारी टोटो लिंक लगी हुई है, 2.4 पे कनेक्टिविटी है। पहले उसको हम टेस्ट करेंगे कि उसकी कनेक्टिविटी है भी कि नहीं, फिर आगे उसका देखेंगे प्रोसीजर क्या है। A to Z टोटो लिंक CP लगी हुई है, पहले इसको हम टेस्ट करते हैं। CP लगी हुई है, इसके अंदर हमने आउट भी किया, इसको चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी डिवाइस को चेक करना है, जहाँ पे भी आपने जो भी कनेक्शन की जो कंप्लेन करनी है। मैंने कहा आपको सर वीडियो A to Z बना दे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे CP का IP का नहीं पता, तो आपने सेटिंग में चले जाना है, ठीक है, कोई भी डिवाइस का, और सॉरी वाईफाई में जाना है। किधर गया वाईफाई, सेटिंग में जाना है और नीचे देखना है 4.1 इसका IP 4.12 है, तो इसको खुलना है 4.1 पे खुलना है, ठीक है। और इसके अभी सिग्नल भी बहुत कम है, इसके फ्रंट साइड पे सिग्नल होते हैं, तो इसके लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके हम इसको लॉगिन करना पड़ेगा। या इधर से हो गया तो अभी आपको चेक करवा देते हैं। जो अभी मुझे फॉल्ट लग रहा है वो फॉल्ट ये है कि डिवाइस का रुख चेंज हुआ हुआ है, और उसकी वजह से जो मेन कनेक्टिविटी है ना वो नहीं उसके साथ, क्योंकि उसके साथ मैक्रोटिक का यूज़र चल रहा है, मैक्रोटिक में वो यूज़र अटैच नहीं है। तो इधर से हमने लॉगिन की कोशिश की है, बट लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि सिग्नल कम है। अभी छत पे जाते हैं, जाके फिर चेक करते हैं, अगर कनेक्टिविटी ना हुई तो इसको दोबारा कनेक्टिविटी करते हैं। इसको मेन चीज़ है, इसकी वायर भी चेक करनी है, वायर की ये सिंपल Cat 5 जो डाली हुई थी, और इसका रुख भी चेंज है, और लैन अटैच है, लैन तार का तार नहीं ख़राब, तार ठीक है, सिर्फ कनेक्टिविटी ये ज़ीरो वाली नहीं चल रही, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, मतलब सबसे पहले ये लैन चेक कर लें, लैन अगर तार ख़राब हो तो डिसकनेक्ट हो गई है। इसको खोलने की कोशिश करते हैं, ये खुल गया, इसको बाद में हम चेंज कर देंगे। अभी हमारा उसने यूज़र नहीं उठाया, कनेक्टिविटी है, यूज़र नहीं उठाया, अभी हम देखते हैं। ये देखें कनेक्ट हो गया, सिर्फ क्या है इसको रीबूट करना था, रीबूट करते साथ ये कनेक्ट हो जाना था, ठीक है। सिर्फ अभी देख लेते हैं सिग्नल किसके अच्छे हैं, इसकी कनेक्टिविटी हमने किस तरह की हुई, WISP पे की हुई है, ये यूज़र डायल किया हुआ है, ठीक है, और सिग्नल किस किस के आ रहे हैं, UPNT के भी नॉर्मल सिग्नल है, गुड इंजीनियर्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके साथ कनेक्ट है, बट हमने वायरलेस का एक तो पासवर्ड चेंज करना है, तो एक उसका नेम चेंज करना, फोर 666754, ठीक है। पासवर्ड हम कोई रैंडम बाद में यूज़ कर लेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो आगे आप नीचे जाकर भी टेस्ट करना, तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। ये यहाँ से हमारे जो ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से टावर लगा हुआ है तकरीबन, कैमरे के अंदर आपको अगर नज़र आ जाए तो नहीं नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से तकरीबन कुछ 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर बनता, 2.3, 2.4, ठीक है। वहाँ पे लगी हुई है हमारी इंजीनियर्स की डिवाइस, ठीक है, और उसके साथ ये कनेक्टेड है। हमने इसमें क्या है, लैन को मीटर से नहीं चेक किया, क्योंकि लैन ये Cat 5 ज़रूर है, ठीक है, ये ख़राब भी जल्दी होती है, जोड़ भी लगा हुआ है, बट हमने यहाँ से चेक कर लिया कि इसकी लैन प्रॉपर काम कर रही है, तो इसकी तार ठीक है, ठीक है, लैन प्रॉपर काम कर रही, तार ठीक है। जब ये लाइट ऑफ हो तो आपने अगर जिसने टोटल लिंक यूज़ की भी है, तो उसका मतलब है कि ये अगर किसी ने ज़ीरो वाली ऑफ है,
तो उसकी ब्रिज नहीं बना हुआ, ठीक है, डिस्कनेक्टिविटी हुई है। ये आगे तीन चार ही ये वायरलेस वाले सिग्नल होते हैं, ये ब्रिज पे अगर ब्रिज बन जाए तो तब ये काम करती होती है। और ये आपकी वाईफाई है, ये आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ है, ठीक है। और टोटो लिंक है, ये पता नहीं मॉडल कौन सा है, टोटो लिंक का ये देखें स्मार्ट नेटवर्क डिवाइस। और ये चल रही है यहाँ पे तक। ओवरली हमारा जो फॉल्ट निकला है वो लाइन ऑफ साइट है पे कुछ चीज़ आई हुई थी जिसकी वजह से सिग्नल ख़राब हुए थे, उसको हमने बेहतर किया और हमारा फॉल्ट रिमूव हो गया। अभी 4 MB का कनेक्शन स्पीड टेस्ट कर रहे हैं और 4 MB पूरी स्पीड मिल रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह आप अपने भी डिवाइस का फॉल्ट चेक कर सकते हैं।